दिल्ली मेट्रो ने 26 जनवरी को कर्तव्य पथ पर 74वें गणतंत्र दिवस समारोह में शामिल होने पहुंच रहे दर्शकों के लिए मेट्रो में निशुल्क यात्रा का मौका देने का फैसला लिया है। ई निमंत्रण कार्ड या ई टिकट दिखाने पर मेट्रो नेटवर्क के तमाम स्टेशनों पर यात्रियों को मुफ्त यात्रा के लिए कूपन प्रदान किए जाएंगे। दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन के मुताबिक कार्यक्रम स्थल तक पहुंचने के लिए यात्रियों को केंद्रीय सचिवालय, उद्योग भवन या मंडी हाउस मेट्रो स्टेशन तक पहुंचने के बाद सीधे कर्तव्य पथ पर आयोजन स्थल तक पहुंचने के लिए उन्हें वहां से कूपन मिल जाएगा। गणतंत्र दिवस समारोह के समापन के बाद निमंत्रण कार्ड या ई टिकट धारक को दोबारा केंद्रीय सचिवालय, उद्योग भवन या मंडी हाउस मेट्रो स्टेशन से गंतव्य तक वह अपने पहुंच सकेंगे। 26 जनवरी की सुबह 4:30 बजे से 8 बजे के बीच ही यात्रा के लिए कूपन जारी किए जाएंगे। इन टिकटों से निशुल्क यात्रा के बाद दोपहर 2 बजे तक मेट्रो स्टेशन के बाहर निकासी की सुविधा होगी। DMRC के प्रधान कार्यकारी निदेशक कॉरपोरेट कम्युनिकेशन अनुज दयाल के मुताबिक इस सुविधा का उपयोग करने के लिए यात्रियों के पास सरकार की ओर से जारी फोटो पहचान पत्र होना चाहिए। टिकट कूपन लेने के लिए मेट्रो स्टेशन पर उन्हें यह दिखाना होगा। इस बार गणतंत्र दिवस पर बार और रेस्तरां में भी शराब नहीं परोसी जाएगी। इससे पूर्व 26 जनवरी को ड्राई डे घोषित होता था, लेकिन बार और रेस्तरां में शराब परोसने की इजाजत थी। दिल्ली सरकार ने पहली बार 26 जनवरी को बार और रेस्तरां में शराब की बिक्री पर प्रतिबंध लगाया है। इसके साथ ही महाशिवरात्रि, रामनवमी और होली पर भी दुकानों पर शराब बिक्री की पाबंदी रहेगी। इस वीडियो में केवल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए देख न्यूज़।